बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माई ऑल माई यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। माई यूट्यूब फैमिली, आज जिस मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे वो है एम्ब्रोशिया। इसके मेडिकल यूजेस पे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शुक्रिया। माय यूट्यूब फैमिली, आज जिस हम मेडिसिन के बारे में, इसके मेडिकल यूजेस के बारे में बात करेंगे वो है एम्ब्रोशिया। ये मेडिसिन जो है, ये दवा बुखार और पोटों की शदीद ख़ारिश हो और ऐसे अफराद जिनके आंसू बहते हों, इसके अलावा ये मेडिसिन जो है काली खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सांस का रास्ता लंबाई के रुख जाने का एहसास होता हो, मुख्तलिफ तरह के जो इसहाल ख़ास तौर पे मौसम गर्मा के मौसम में, तो उनमें ये फ़ायदा देने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा ये होता है कि नाक की, बाज़ अफराद में नाक से ना पानी की तरह पतला ज़ुकाम बहता हो और पेशेंट की छींकें आती हों, पानी जैसी रतूबत बहती हो, अक्सर लोग जो हैं उनकी नाक से खून गिरता है और इस तरह से ये होता है कि नाक बंद हो जाने का एहसास हो पेशेंट में, सांस की नाली जो है उसकी शाखों में से खराश यानी कि दमा के हमलों के साथ, और पेशेंट जो है उसको खड़खड़ाहट वाली खांसी आती हो, उसमें भी नहायत ही मुफीद मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा ये आंखें जो हों, पेशेंट की जलन होती हो जिसमें चुभन होती हो, आंसू बहते हों, उसके लिए भी ये नहायत ही मुफीद मेडिसिन मानी जाती है। एम्ब्रोशिया मेडिसिन जो है, इसका जो है यानी कि